तस्वीरों से साहिल की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जहां पर हिमांशु भाऊ गैंग के तीनों शार्प शूटर्स को ढेर किया गया। अब वहां के स्थानीय लोगों का इस पर क्या कहना है, दिखाते हैं आपको। तो यहां पुलिस थी और हम यहां नहीं आने दिए, यहां नहीं आने दिए गए। पुलिस ने मना कर दिया, भाई कुछ अंदेशा है, यहाँ बदमाश आ रहे, इधर उधर अपनी फील्डिंग लगाए। पुलिस का अपना काम होता जी, इसलिए यहाँ लगभग लगभग आधा घंटा पौना घंटा भी होगा वो, हम तो वहां पर टूबल पर थे, पर नर पर गोलियों की आवाज आएंगी, करीब करीब आधे घंटे तक गोलीबारी यहाँ चलती रही। पुलिस ने आपको रोका था कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो इससे नहीं होने वाला नहीं है जी। पर इन्होंने भाई नहीं जाओ यहाँ से, कुछ ऐसा है कोई खतरा भी हो सकता है कुछ, क्योंकि पुलिस को अपना बेरा भाई कौन कित चल रहा है, कौन कहाँ गा रहा है। तो ये हम पुलिस पहले केस नहीं लगा रहे, पुलिस ने रोक, मतलब ये था भाई आम आदमी है भाई, क्या पता चपेट में उसको जो बदमाश होने की गोली लग जाए। पुलिस की गाड़ी है, कितने पुलिस है, कुछ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। पुलिस हमने ऐसा पुलिस थी यहाँ पर, पूरी जोरों पर पुलिस थी, लेकिन हमें इसलिए नहीं आने दिया, बदमाश की गाड़ी या गोली लग जाए या पुलिस की गोली चपेट में आ जाए कोई किसान, तो अनहोनी हो जाए, हादसा हो जाए। तो चलिए अब आपको बताते हैं आखिर ये एनकाउंटर कैसे हुआ, शूटआउट एट सोनीपत में कैसे जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पहले ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, रात 8:40 पर बदमाशों के बारे में गुप्त सूचना मिली, यानी कि एक सॉलिड इनपुट मिला था जिसके आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रोहतक चिनौली रोड पर होने की सूचना मिली थी, कार से बदमाश रोहतक की तरफ जा रहे थे और यही एक इनपुट था जो पुलिस को मौके पर हाथ लग गया। पुलिस के रोकने पर भागने की लगातार कोशिश कर रहे थे, बदमाशों ने कार से ही फायरिंग शुरू कर दी एकदम फिल्मी अंदाज में। बदमाशों ने 24 राउंड फायरिंग करी लगातार, पुलिस ने इसका जवाब देते हुए जवाबी कार्रवाई में 19 राउंड फायरिंग की। लेकिन आपको बता दें इस एनकाउंटर में तीन बदमाश मौके पर ही ढेर हो जाते हैं। पहले आप देखिए सॉलिड इनपुट मिलता है, वहीं घायल बदमाशों को अस्पताल में लाया गया है, जहां पर आपको बता दें तीनों बदमाश मृत घोषित किए गए हैं। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हुई और जब बदमाशों ने फायरिंग की पुलिस ने उसका जवाब दिया, जिसके बाद तीनों ये ढेर हो जाते हैं। और साहिल इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एक सॉलिड इनपुट हाथ लगा था पुलिस के, और जब पुलिस ने इन बदमाशों की गाड़ी का पीछा किया, इन्हें रोकने का प्रयास किया, ये रुके नहीं, फायरिंग करने लगे और जवाबी फायरिंग में इनको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। इस वक्त जहां आप मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी? हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही रजौरी गार्डन शूटआउट के बाद से ही क्राइम ब्रांच सेल की टीम जो थी इन गैंगस्टरों के लिए पीछे पड़ी हुई थी, लगातार इनपुट जुटा रही थी। लेकिन कल रात इनपुट मिलता है कि तीन शूटर जिन्होंने रजौरी गार्डन में बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, वो गोहाना में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जाने वाले, जिसके वजह पूरा इनपुट जो था ये सोनीपत एसटीएफ से जो था वो पूरा साझा किया गया, और जिसके बाद इसी जगह पर देर रात एनकाउंटर किया जाता है, तीनों शूटरों को मौके पर ही ढेर किया जाता है, क्योंकि पुलिस लगातार उनको सरेंडर करने को कह रही थी, लेकिन तीनों शूटर के पास असला था, वो लगातार फायरिंग पुलिस पे कर रहे थे। पुलिस जवाबी कार्रवाई में कई राउंड फायर भी किए गए, लेकिन बदमाश इतने शातिर थे, वो इतने डेस्परेट थे कि जिन्होंने बिल्कुल बिना सोचे पुलिस टीम पे फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसमें एक गोली जो थी पुलिस के पैर में लगी, दो गोली जो थी बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। लेकिन गनीमत यह रही कि पुलिस ऑफिसर जो थे बाल बाल बच गए, और ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस पर भी खून के जो मार्क है वो यहां पर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये बताया जाता है कि तीनों शूटर जब जब अपनी गाड़ी में इकट्ठे सवार होकर बाहर निकलते थे तो यह कंफर्म था कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब वो घर अपने बिल से बाहर नहीं निकलते थे तो वो कहीं ना कहीं अपने बिल में छिप जाते थे, और यही वजह थी कि क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल अलग अलग लोकेशन पर रेड कर रही थी बदमाशों को पकड़ने के लिए, क्योंकि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के तीनों शूटर है जिनको देर रात ढेर किया गया। ये जो पूरा आप देख रहे हैं, पूरा यहाँ पे खेती बाड़ी होती है, इसी जगह से तीनों शूटर जो थे गोहाना हरियाणा की तरफ जा रहे थे, क्योंकि एक टिप था कि उनको किसी शख्स की हत्या करनी है, उस हत्या को अंजाम देने के लिए तीनों शूटर अपने 5 पिस्टल के साथ घर से रवाना हुए थे। लेकिन क्राइम ब्रांच को इनपुट था, उस इनपुट के आधार पे इसी जगह पे बदमाशों को ढेर किया गया। ये देखिए पूरी सुनसान सड़क है, क्योंकि जिस खेत में एनकाउंटर हुआ उस खेत के किसान मालिक से बातचीत की तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे रात 9 बजे के आसपास लगभग 1 घंटे तक फायरिंग होती रही, यहाँ पे किसी को आने नहीं दिया गया। वजह यही थी कि
कोई गोली किसी स्थानीय निवासी को न लग जाए, इसको ध्यान में रखते पूरी जगह पे पुलिस का बैरा था। और उसी बड़ी जानकारी वहां से दे रहे हैं, ग्राउंड पर आप मौजूद हैं और वहां से एक एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो किस तरीके से क्राइम ब्रांच और सोनीपत एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन कर इन तीनों शार्प शूटर्स को ढेर कर दिया, जो हिमांशु भाऊ गैंग के बताए जा रहे हैं। और जो बर्गर किंग हत्याकांड हुआ था उसमें दो बदमाश ऐसे थे इसमें जो उसमें शामिल थे उस हत्याकांड में। अब ये कौन थे बदमाश और क्या इनकी कुंडली रही है, क्राइम कुंडली, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। बर्गर किंग हत्याकांड में एक्शन, हरियाणा के सोनीपत में शूटआउट, भाऊ गैंग के तीन शार्प शूटर ढेर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम और हरियाणा एसटीएफ ने अपने ज्वाइंट ऑपरेशन में अपराधियों को उनकी औकात दिखाई है। सरेआम बेगुनाह का मर्डर करने वाले को ढेर कर दिया है। 18 जून की ये तस्वीर आपको याद ही होगी, जब ताबड़तोड़ गोलीबारी से राजधानी दिल्ली थर्रा गई थी। बाइक सवार तीन शार्प शूटरों ने राजौरी गार्डन के बर्गर किंग आउटलेट में ताबड़तोड़ 40 राउंड फायरिंग की थी और इस फायरिंग में 26 साल के अमन की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें बदमाश बेखौफ होकर अमन को गोली मार रहे थे। बर्गर किंग आउटलेट में हुई हत्या में शामिल उन्हीं शार्प शूटर्स को पुलिस ने सोनीपत में मार गिराया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम और हरियाणा एसटीएफ ने सोनीपत में इन तीन गैंगस्टर का एनकाउंटर कर दिया है। सोनीपत के खड़कौदा में पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। यहां दोनों तरफ गोलियां चली जिसमें पुलिस ने तीनों अपराधियों को मार गिराया। शूटआउट में मारे गए तीनों बदमाशों की पहचान आशीष कालू, विक्की रिधाना और सनी गुजर के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मारे गए तीनों गैंगस्टर अमेरिका में बैठे वांटेड क्रिमिनल हिमांशु भाऊ के आदमी थे। हिमांशु भाऊ के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। एनकाउंटर के बाद बदमाशों की जेब से 19 जिंदा राउंड मिले जिसमें आशीष के पास से 7 गोलियां, विक्की के पास से 6 और सनी गुजर के पास से 6 गोलियां बरामद की गई है। पुलिस ने तीनों के पास से 5 आधुनिक पिस्टल भी बरामद की है। इस शूटआउट में एक एसआई अमित भी घायल हुआ है। बर्गर किंग कांड की जिम्मेदारी खुद गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया था कि वो उसके करीबी सहयोगी शक्ति दादा की हत्या का बदला था। बता दें कि हिमांशु भाऊ नाम का ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्रतिद्वंदी है और दिल्ली हरियाणा के आसपास कई हिंसक वारदातों को अंजाम दे चुका है। शूटआउट में शार्प शूटरों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन वो मिस्ट्री गर्ल जिसने अमन को वहां बुलाया और शार्प शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर सिर्फ अमन को मौत के घाट उतारा, वो अभी भी सवालों के घेरे में है। आखिर कौन है वो लड़की और कहां है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं, रंगबास परिवार से जुड़ी हुई। दरअसल महाराष्ट्र में खेड़कर परिवार के खिलाफ अब एक्शन शुरू हो गया है। ये जानकारी मिल रही है कि बुलडोजर के तहत घर के आसपास जो इकट्ठा ज्यादा कब्जा किया होता जमीन पर, वहां पर बुलडोजर से एक्शन किया लिया जाएगा।